हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं वर्क एंड टाइम का पार्ट नंबर 5 लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको जैसे कोई काम करता है, ठीक है, तो उसको मजदूरी मिलती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं यहां पे बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक मैंने डाला हुआ है। पार्ट 1 में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ठीक है, उसके बाद 10 क्वेश्चन भी बताया हुआ है प्लस करके। उसके बाद पार्ट 2 में कुछ जैसे कुछ लोग काम छोड़ के चले गए, तो उस तरह के क्वेश्चन को मैंने कराया है, जो लगभग हर एक एग्जाम में आता है, मेंस लेवल तक के पेपर में आता है, उसके मैंने सॉल्व कराया है। पार्ट 3 में कुछ लोग जैसे 10-20 आदमी काम करते हैं, कुछ छोड़ के चले गए, कुछ आ गए, तो उस तरह के क्वेश्चन को कराया है। और पार्ट नंबर 4 में मैंने क्या कराया है, पार्ट नंबर 4 में मैंने क्या कराया है, या और वाले क्वेश्चन कराया है, जो कि आप लोग लगाते हैं तो बहुत लेंदी पड़ता है, मगर मैंने उसका शॉर्टकट बताया हुआ है। तो इस तरह से पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 कराया है। पार्ट नंबर 5 है जिसमें मैं काम और मजदूरी के बारे में बात करूंगा। तो जिसने भी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक नहीं देखा है, तो जा करके वो देख सकता है, ठीक है, मेरे चैनल पे। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और प्लीज यार, आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। और एक छोटा सा कमेंट कर देंगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप वीडियो के नीचे छोटा सा कमेंट, कुछ नहीं तो थैंक्स तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, तो बस आप एक कमेंट कर दिया करिए। तो लेट नहीं करते, चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो एक चीज ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि वर्क एंड टाइम में बस तीन ही चीजें होती हैं, ठीक है। तीन चीजें क्या होती हैं, जो वर्क और टाइम का जो रेशियो होता है वो पावर के इक्वल होता है। कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो किसी भी आदमी की क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। तो जो यहाँ पे पी, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, पी और जो टी का जो रेशियो होता है 1/T का होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी आदमी को टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इससे साफ साफ पता चल जाए कि उस आदमी की क्षमता कम है, पावर कम है। किसी आदमी को टाइम कम लग रहा है तो उसकी क्षमता ज्यादा है, ये चीज समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं दो आदमी ए और बी हैं, है ना, तो अगर मान लेते हैं कि उनको टाइम एक को लग रहा है 3 दिन और एक को लग रहा है 4 दिन, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे उसका पावर निकालना होगा। तो इसको चेंज कर लेंगे, 4 को यहां कर लेंगे और 3 को यहां कर लेंगे। ये तो पहली बात होगी, इसको आप नोट करते चलिए, है ना, ये हमारा समय हो गया और ये हो गई पावर। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि अगर मान लेते हैं 2 के बजाय अगर 3 आदमी आ गए, मान लेते हैं ए बी सी 3 आदमी आ गए, तो अगर ए को टाइम लगता है 3, बी को लगता है 2 और सी को लगता है मान लेते हैं 5 दिन, ठीक है। तो जब जो इनका पावर का जो रेशियो होगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/3, 1/2 और 1/5। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि 3 आदमी के केस में इस तरह से चेंज होता है, और 2 आदमी के केस में आप डायरेक्ट इसको चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 1/3, 1/4 करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आप जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और एक चीज यहाँ पे, जैसे कोई भी काम करता है तो उसको क्या मिलती है, मजदूरी मिलती है ना, कोई भी काम करता है तो उसको मजदूरी मिलती है। तो जो भी मजदूरी मिलती है, जो इंपॉर्टेंट बात है यही है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आदमी को जो मजदूरी मिलती है वो उसकी क्षमता के हिसाब से मिलती है। तो मजदूरी निकालने के लिए आपको क्या निकालना जरूरी है, आदमी की क्षमता। तो यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे, मजदूरी को क्षमता के हिसाब से बांट देंगे, ठीक है। तो जैसे किसी चीज को अगर बांटना होता है तो आप कैसे बांटते हैं, चलिए क्वेश्चन। पिछले वीडियो में फ्रेंड्स मैंने एक मुझसे क्वेश्चन छूट गया था, जिसमें मैंने इस तरह का क्वेश्चन नहीं कराया था, इस तरह के क्वेश्चन कराए थे, मगर जो लास्ट में यहाँ पूछा हुआ चीज था वो कुछ अलग था, है ना, एक ही चीज दिया हुआ था, या आदमी या औरत या लड़का, मगर यहाँ पे दोनों चीज दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करते हैं, तेजी से बता देते हैं। पिछले वीडियो में फिलहाल मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो 2 आदमी 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते, ऐसे आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद कॉमा करिए कि 3 आदमी और 2 लड़के किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो आप इसका इसमें गुणा करते थे, है ना। तो ये हो गया 20 आदमी, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30 लड़के, फिर बराबर बनाइए, फिर इसका यहाँ गुणा करिए तो 8 3 24 आदमी, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 2 16 लड़के। अब देखें इधर क्या है, 30 लड़के हैं, इधर 16 लड़के, इधर आके माइनस हो जाएगा तो 14 लड़के बचेंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा तो 4 आदमी, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे
तो दो से अगर काटेंगे तो दो आदमी बराबर सात लड़के आ जाएगा। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। तो अब क्या करिए, जो क्वेश्चन का कोई एक हिस्सा ले लीजिए। तो हम दो आदमी वाला हिस्सा ले लेते हैं कि दो आदमी तीन लड़के किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में करते हैं। तो दो आदमी के जगह पे आप रख सकते हैं सात लड़के, रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी कंडीशन निकाला है मैंने। तो ये टोटल कितना हो गया, 10 दिन में करते हैं, यानी 10 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे हमारी बात बन गई M1D1 की, बराबर फार्मूला लगने वाला है M2D2। तो ये हो गया 10 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गई। अब यहाँ पे देखें, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दो आदमी एक लड़का काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछा हुआ है। तो दो आदमी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, सात लड़के, क्योंकि यहाँ मैंने लड़के में कन्वर्ट कर लिया है, तो मैं यहाँ पे लड़के में कर लूंगा। हो सकता है आप इसको आदमी में कन्वर्ट करें, तो यहाँ आदमी में रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन हो गया कि सात लड़के और एक लड़का मिला के कितना, आठ लड़के कितने दिन में काम करेंगे। तो यहाँ पे आठ लड़के और इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब इधर देखें, हो गया 10 का 10 में गुणा करेंगे 100/8। अब काटेंगे इससे 4 से, तो ऊपर हो जाएगा 25, नीचे हो जाएगा 2। 25/2 मतलब कितना आ जाएगा, 12, सही 1/2 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे इस तरह से डील करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं मजदूरी वाले क्वेश्चन पे जो आज का टॉपिक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और मैंने पहले ही बताया कि मजदूरी वाले में किसी भी आदमी को मजदूरी उसकी क्षमता के हिसाब से मिलती है। इस लाइन को आप नोट कर लीजिए कि किसी आदमी को मजदूरी उसकी क्षमता के हिसाब से मिलती है। ठीक है, तो कह रहे हैं सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है, सुमति उस काम को 2 दिन में कर सकती है। दोनों ने एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं, तो उनको कुल 150 रुपए मिलते हैं, तो सुमन का क्या हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक है सुमन और दूसरी है सुमति। ठीक है ना, तो सुमन कह रहा है किसी काम को, ये हो गया समय टाइम, किसी काम को 3 दिन में करती है और सुमति 2 दिन में करती है। तो मैंने बोला था कि अगर दो लोग वाला कंडीशन हो तो यहाँ पे क्षमता वाले केस में यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और किसी को भी मजदूरी मिलती है उसकी क्षमता के हिसाब से। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे टोटल पैसा कितना मिल रहा है, 150। तो दोनों की क्षमता को अगर टोटल करेंगे तो 2 + 3 इसको टोटल करेंगे तो क्षमता टोटल कितनी होगी, 5। यानी 5 जिसकी क्षमता होगी उसको 150 रुपए मिलेंगे। तो आपसे पूछा है सुमन का क्या हिस्सा होगा, तो सुमन की क्षमता कितनी है, 2। तो अगर 5 क्षमता है तो 150 मिलेगा, तो एक क्षमता होगा तो कितना मिलेगा, 150/5 हो जाएगा, है ना। तो एक क्षमता है तो कितना, ये हो जाएगा 30 रुपए। भाई 5 जिसकी क्षमता है उसको 150 रुपए, तो एक क्षमता वाले को 30 रुपए। तो आपसे सुमन को पूछा है, मतलब 2 क्षमता वाले का पूछा है, तो आप 2 से गुणा कर देंगे तो 30 गुना कितना हो जाएगा, 60 रुपए, क्योंकि एक क्षमता वाले को 30 रुपए, तो 2 क्षमता वाले को 60 रुपए, तो आपका आंसर 60 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें जो है बस इसको चेंज कर देना होता है, उसके बाद आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, ए और बी ने मिलकर इसको 3200 रुपए में करने का ठेका लिया, सी की सहायता से उन्होंने यह काम 3 दिन में पूरा कर लिया, सी को कितनी धनराशि दी जाती है। ठीक है, तो अब देखें बढ़िया क्वेश्चन है, ए किसी काम को करता है 6 दिन में, बी करता है 8 दिन में, ठीक है, और सी की सहायता से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाते हैं तो कितने दिन में, 3 दिन में हो जाते हैं। तो इसका मैंने एक तरीका ये भी बताया था, आप इसको भी नोट करते चलें कि दिन हो गया, तो इसका आप पहले एलसीएम ले लें, कितना आ गया, 8, 6 और 3 का लसा कितना हो जाएगा, 8 3 के 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 से काटेंगे 4 बार, ये क्षमता आ रही है 8 3 के 24 और 3 8 24, ये मैंने पहले ही बता रखा है, तो जिसने ना देखा हो वीडियो देख सकता है, पार्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अब यहां पे देखें ए की क्षमता कितनी है, ए के 6 है, यहां पे 6 हो गया, और बी की कितनी है, सॉरी ए की क्षमता कितनी है, देखें ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता, अच्छा यहां पे है 4, देख सकते हैं आप यहां पे 4 दिया हुआ है, ए की क्षमता 4 है, और बी की कितनी है, 3 है, तो बी की हो गई 3, तो 4 और 3 मिला के कितनी होगी, 7, जबकि तीनों की मिलती है तो 8 आती है, यानी सी की कितनी होगी, जब 2 की मिला के 7 हो गई तो तीसरे की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तभी तो 8 होगा, तो यानी सी की क्षमता 1 हो गई, है ना। तो कह रहा है कि कुल 3200 रुपए मिलने थे, यानी टोटल क्षमता तीनों की मिला के कितनी हुई, 8 हुई, तो 8 क्षमता वाले को मिलना था कितना, 3200 रुपए, तो एक क्षमता वाले को कितना मिलेगा,
आठ चौके 32 400 रुपए है ना, और एक क्षमता वाला कौन है सी, तो यही तो पूछा था। अगर बोल देता कि ए को कितना मिलेगा, तो ए की क्षमता 4 है तो 400 गुणा कर देते, तो 400 था एक क्षमता वाले को, तो चार क्षमता वाले को कितना, 4 चौके 1600 मिल जाएगा, जिसकी कि जितनी पावर होगी उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। तो सी का पूछा था, तो आंसर कितना आ गया, 400 रुपए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन देखें, अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में करता है। देखें, कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में करता है, तो एक भाग को कितने दिन में करेगा, तो 4 का इसमें गुणा कर दें, है ना, 4 का इसमें गुणा कर देते कट जाएगा, तो एक भाग को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। ठीक है, शंकर कार्य के 1/6 भाग को 4 दिन में करता है, 1/6 भाग को करता है तो 6 से इसमें गुणा कर दें, तो ये कितने दिन में करेगा, मतलब पूरे कार्य को 24 दिन में करेगा। ठीक है, तो आपको दो चीजें पता चल गई, एक हो गया अमर और दूसरा हो गया शंकर। अमर करता है कार्य को 12 दिन में और दूसरा करता है 24 दिन में, ये तो दिन हो गया है ना, तो इसकी जो क्षमता होगी, जो पावर होगी, कितनी होगी, 24:12। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं, इसका 2 आ जाएगा और इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहे दोनों को मिलाकर, तो दोनों की क्षमता अगर मिला दे तो कितनी हो जाएगी, 3, 3 के वैल्यू मिला के इन लोगों को मिलने 1800 रुपए, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 600 रुपए। तो बोला है अमर को कितना मिलेगा, तो अमर को कितना मिलता है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और प्लीज जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को डिसलाइक करने से अच्छा है कि वो पहले जाकर के और पार्ट्स वगैरह को देख ले, ताकि उसको भी समझ में आने लगे। अगला क्वेश्चन देखें, दो आदमी और एक औरत मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं। ठीक है, दो आदमी और एक औरत मिलकर के किसी काम को 14 दिन में करते हैं। देखें, दो आदमी एक औरत है ना, किसी काम को मिलकर के कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में करते हैं, जबकि 4 आदमी, ठीक है, 4 आदमी और सॉरी 4 औरत और 2 आदमी उस काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। यदि एक आदमी को कार्य करने के बदले 600 रुपए प्रतिदिन मिलते हो, तो उस औरत को प्रतिदिन कितनी राशि मिलनी चाहिए, ये चीजें। ठीक है, तो आदमी को उसकी क्षमता के हिसाब से पैसा मिल रहा होगा, तो पहले उस क्षमता को कन्वर्ट करते हैं। एक चीज ध्यान दें, सबसे पहले मैंने बताया था इसका इसमें गुणा कर लें, तरीका वही होगा, 14 × 28 m, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो जिसने नहीं देखा प्लीज जाके देख ले। तो 14 f बराबर 8 का इसमें गुणा करेंगे, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखें, तो 8 × 16 m इतना आ गया। अब यहाँ पे 14, यहाँ पे 28 m है और यहाँ पे 16 m है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 12 m, 14 इधर आके माइनस होगा तो -14 करेंगे तो कितना बचेगा, 18 f। ठीक है, 6 से कट गया तो 6 × 12 और 6 × 3 = 18। ठीक है, तो मेल अपॉन फीमेल की अगर बात करें तो 3:2 मिला। ठीक है ना, यानी मेल और फीमेल की जो क्षमता का रेशियो मिल गया, कितने का मिल गया, 3:2 का मिल गया। ठीक है, तो अगर आदमी को कह रहा है कि 600 रुपए मिले, यानी जिसकी क्षमता 3 थी उसको कितना मिला, 600 रुपए मिला, तो यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 रुपए हो जाएगी। आदमी की क्षमता 3 थी और इसको मिला 600 रुपए, तो आदमी की क्षमता 3 थी तो 600 मिला, तो एक की क्षमता को मिलेगा 200, तो औरत को कितना मिलेगा, क्योंकि उसकी पावर 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। तो इसका आंसर हो जाएगा कि औरत को कितना पैसा मिलना चाहिए, 400 रुपए। तो ये क्वेश्चन टफ में आता है, बट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपने मेरा पहला वीडियो, पहले के वीडियोज देखे होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ए बी और सी मिलकर 150 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपए कमाते हैं और बी और सी मिलकर 76 रुपए कमाते हैं, सी की प्रतिदिन की इकाई बताइए। तो ये सिंपल सा इसमें फंडा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना कमाते हैं, 150 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं, और ए और सी मिलकर कितना कमाते हैं, 94 रुपया कमाते हैं, और बी और सी मिलकर कितना कमाते हैं, 76 रुपया कमाते हैं। तो सी का पूछा हुआ है, ठीक है, सी का पूछा है, तो सी का अगर हमको निकालना है तो एक चीज ध्यान दें कि हम लोग क्या करें, इन दोनों को जोड़ लें, अगर इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखें a प्लस बी प्लस 2c, भाई a प्लस बी और c मिला के कितना हो गया, 2c, इन दोनों को जोड़ो तो कितना मिल गया,
9 7 16 1 17, ठीक है 170 मिला। अब ध्यान दे, अब इसके नीचे आप a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 150 है। अब इन दोनों इक्वेशन को घटा दे तो ये माइनस 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 ये कट गया, तो c बराबर कितना मिला 20 रुपए, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 रुपए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ था नहीं, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन था, मैंने सोचा बता दें इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये देख रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है कि ए बी सी को इतने में किसी कार्य को करने के लिए लगाया गया, माना कि ए और बी मिलकर के इतना कार्य करते हैं, बी और सी मिलकर के इतना कार्य करते हैं, ठीक है, तो ए को कितने रुपए भुगतान करना चाहिए। और ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एसएससी सीरियल टायर 2 में आया हुआ है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बट इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट एक ही होगा। ठीक है, तो देखिए काम कोई भी होता है अपने आप में 1 होता है। अब जो क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा है कि ए और बी मिल जाते हैं तो 19/23 काम करते हैं, अगर ए और बी मिल जाएंगे तो काम का कितना हिस्सा होगा 19/23, तो मतलब सी ने कितना किया होगा। तो एक में से पूरे काम में से अगर ए और बी को घटा दीजिए तो आपको सी का हिस्सा मिल जाएगा कि सी ने 4/23 काम किया। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है बी और सी मिलकर के 8/23 करते हैं, ठीक है, तो बी सी के जगह पे तो आपको पता चल गया ना कि 4/23 है, तो 8/23, ठीक है, तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बी बराबर क्या आ जाएगा 8/23 और माइनस का 4/23, तो आ जाएगा 8 में से 4 गया 4/23, तो बी और सी की वैल्यू आ गई, बी काम कर रहा है 4/23 और सी भी काम कर रहा है 4/23, तो मतलब 8/23 काम हो जा रहा है, तो ए कितना कर रहा होगा, तो 1 में से भाई बी का हिस्सा घटा दीजिए 4/23 और सी का हिस्सा घटा दीजिए 4/23, तो पता चल जाएगा ए का कितना हुआ, तो इसको जब आप घटाएंगे तो आ जाएगा 15/23। तो अब तीनों आदमी के हिस्से हमको पता चल गए ए बी सी, भाई जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा, तो ए का हिस्सा है 15/23, है ना। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ था, बट आप अगर सॉल्व करेंगे सही तरीके से तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी का हिस्सा मैंने लिख लिया, 23 सब में से गायब हो जाएगा, कट जाएगा, अगर रेशियो भाई निकालते हैं तो कट जाता है ना, जब सी से सबको गुणा करेंगे तो 23 से गुणा करेंगे तो सब कट जाएगा, तो 15 4 4 आ गया, है ना। अब बोला है कि टोटल इतना पैसा बांटना है, टोटल कितना बांटना है 5290 रुपए, तो टोटल जो काम हुआ है उसके हिसाब से पैसा दोगे, तो 15 4 19 6 23, है ना, तो 23 की वैल्यू कितनी हो गई, 23 की वैल्यू है कितनी 5290 रुपए, ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको यहां से 23 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप डिवाइड मत करिए, अब सॉल्व करते रहिए, डिवाइड में आ जाएगा 23, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ए का कितना हिस्सा होगा, है ना, तो ए का हिस्सा कितना है, 15 हिस्सा ए का है, ठीक है, तो आपको एक की वैल्यू निकाल ली है, तो आप इधर से क्या करिए 15 की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5290 डिवाइड बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा कितना, आ जाएगा 3450 रुपए, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन अच्छा था, इमेंस लेवल क्वेश्चन था। मगर तरफ अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है, वे संयुक्त रूप से कार्य करते हैं और 300 रुपए कमाते हैं, तो 2 दिन की मजदूरी बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 दिन की मजदूरी बतानी है, तो आप ये देखिए कि काम हो कितने दिन में रहा है, तो ए 6 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 5 10 3 30 और 15 2 30, ठीक है। तो ये हो गया 30 बाल्टी पानी भरना है, और एक दिन में लोग भरते हैं 5 3 8 2 10 बाल्टी, तो यानी टोटल काम को खत्म करने में कितना मिलता है, 3 दिन लग जाता है, ठीक है, अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तो तीनों मिलकर करते हैं तभी तो ये 3 दिन निकाला है, तो 3 दिन का पैसा इनको मिलता है 300 रुपए, तो 2 दिन का पैसा कितना मिलेगा भाई, तो 2 दिन का पैसा मिल जाएगा 200 रुपए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर वीडियो देखने के चक्कर में आप लाइक करना भूल गए हो, तो लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही, जो अगला मेरा इसमें एक पार्ट मैं और बनाने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें मैं इफिशियंसी के बारे में बात करूंगा, इफिशियंसी,
कि किसकी कितनी क्षमता है, क्या अधिक कार्य कुशल वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ, पार्ट नंबर कौन सा 6 नंबर, ठीक है। और उसके बाद जो मैं इसके पार्ट और भी लाऊंगा, 2-3 पार्ट और जो काफी टफ लेवल के होंगे, तो उसके भी बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग